Hey guys, hope you all are doing well. I am Lovey and welcome back to my channel That Girl in Town. Hope you and your family is doing great. So guys, if you are new to my channel, please take a moment to subscribe my channel and do not forget to hit that notification bell icon so whenever I posted a new video, you get a notification of it. So guys, today I'm going to share with you guys my favorite face wash. Yes guys, I think most of you guys know about it. If you guys see my past videos, though, then you have a better idea ki main kis face wash ke bare mein baat kar rahi hu. That is from Wow Skin Science Apple Cider Vinegar Face Wash. To maine socha kyun na ek separate video bana di jaye aur iske bare mein aapko detail mein bata diya jaye ki how much I love this product and how wonderful this product is. So first of all, I want to show you these two empty tubes. They are totally empty. So by these empty tube, you can understand that how much I love this product. So this one is new one. So first of all, talking about its packaging, it's come in this cardboard packaging, and inner packaging is like this. आपने देख ही लिया है. इट्स कम्स इन अ ट्यूब पैकेजिंग और सेम जो उसका फ्रंट है, दैट इज क्वाइट सेम. ऑल द इंफॉर्मेशन ओवर देयर. So they are also there. In back you get all the ingredient list, caution, how to use, suits all skin types, and so if you are oily, combination, it normal, whatever skin type you have, this will go for you. So just all these things and all about company, and you get 2 years of a shelf life in 229 rupees, and you get 100 ml of a product. So that is literally very amazing. So it will last up to 1 or 1.5 months for me. This face wash come in a 2 variant. This is gel form, and one is come in you know, foaming variant mein aata hai. To jo foaming face wash hote hain, I am not a big fan of those foaming face wash because आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता कि वो इतने अच्छे से क्लींस करते हैं आपके फेस को. एंड आई वॉन्ट डीप क्लीनिंग, सो आई ऑलवेज प्रिफर क्रीम बेस और जेल बेस फेस वॉश. सो दिस इज जेल बेस. नॉट टॉकिंग अबाउट एट इंग्रीडियंट, जो इसके पैक पे मेंशन है, दैट इज एप्पल साइड विनेगर, एलो लीफ एक्सट्रैक्ट, हाइलुरोनिक एसिड एंड प्रो विटामिन B5. बट सारे इंग्रीडियंट मेंशन है वो यहाँ पे पीछे मेंशन है कि इसके अंदर और क्या क्या मेंशन है. आई एम गोना टॉक अबाउट दीज इंग्रीडियंट. तो फर्स्ट इज प्योरिफाइड वाटर, सो दैट इज गुड. नाउ दैट इज कोकोमाइड्रोफाइल बिटाइन, माइट बी आई प्रोनाउंस इट रॉन्ग बट आई मेंशन द नेम ऑन स्क्रीन समवेयर. सो दिस इज अ सर्फेक्टेंट, एंड सर्फेक्टेंट्स क्या होता है मैं बता देती हूँ आपको. सर्फेक्टेंट जो होता है, दैट इज ड्राइव फ्रॉम द कोकोनट ऑयल. और सर्फेक्टेंट मतलब आप ऐसे समझ लीजिए लाइक डिटर्जेंट, कि जो आपके फेस पे जो एक्सेस ऑयल होता है, जो आपके फेस पे जो डर्ट होता है, उसको वो डिसॉल्व करता है वाटर के साथ, जिसकी वजह से आपका फेस क्लीन होता है, जिसकी वजह से मतलब जो आपका फेस डीप क्लींस होता है और आपके फेस पे जो ऑयल होता है वो रिमूव होता है. तो डिटर्जेंट के नाम से आप ये मत समझना, ओ माई गॉड दिस इज बैड फॉर अवर स्किन. ये जो डिटर्जेंट्स होते हैं, दैट आर स्पेशली फॉर अवर स्किन. दे आर ड्राइव फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज लाइक कोकोनट ऑयल. कोकोनट ऑयल के अंदर से ये कोको माइड्रोफाइल जो है, ये उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट करते हैं इसको. तो दिस फेस वॉश कंटेन 3 टाइप ऑफ सर्फेक्टेंट, दैट इज वन दिस कोको माइड्रोफाइल, एंड दिस इज सोडियम कोकोआइल, एंड वन मोर डिस सोडियम कोकोआइल. फुल नेम मैं स्क्रीन पर मैंशन कर दूंगी. दीज ऑल्सो 3 टाइप ऑफ सर्फेक्टेंट हैं ये, जिसमें से 2 सेम है, और जो एक इसमें डिस सोडियम वन है, दैट इज फॉर सेंसिटिव स्किन टाइप पर्सन. जो भी सेंसिटिव स्किन टाइप के पर्सन होते हैं, उनके लिए जो फेस वॉश यूज होता है, उसके अंदर ये वाला सर्फेक्टेंट यूज होता है. तो इट ऑल्सो कंटेन दैट वन, दैट इज वाई दिस इज गुड फॉर ऑल स्किन टाइप पर्सन. इट ऑल्सो कंटेन ग्रिसलिन, और वी ऑल नो दैट कि ग्रिसलिन इज अ ह्यूमेक्टेंट, और ह्यूमेक्टेंट मीन्स कि ग्रिसलिन वर्क लाइक ए वेसल, की मतलब जो मॉइस्चर होता है, मतलब एयर में हो गया, आपके सराउंडिंग में हो गया, या फिर आप कुछ भी अप्लाई कर रहे हो अपने फेस पे, तो उससे वो मॉइस्चर लेके आपकी स्किन में लॉक करता है. तो इन सिंपल लैंग्वेज बोल देते हैं कि इट प्रोवाइड मॉइस्चराइजेशन टू योर स्किन. और हाइलुरोनिक एसिड इज ऑल्सो ए ह्यूमेक्टेंट. तो उसका जो चीप वर्जन है, दैट इज ग्लिसरीन. सो नाउ नेक्स्ट इज कोको मोनोथेनामाइड. सो ये जो है, दैट इज यू कैन से अ स्टेबलाइजर और ए फॉर्मिंग एजेंट. तो आपके फेस वॉश में जो फॉर्म क्रिएट होता है, जो झाग क्रिएट होता है, वो इसकी वजह से होता है. तो इट इज अ स्टेबलाइजर ऑल्सो, कि मतलब ये इसको खराब होने से बचाता है और फॉर्मिंग एजेंट की तरह वर्क करता है. नाउ कम टू द स्टार ऑफ द नाइट, एप्पल साइड विनेगर. इट कंटेन एस्ट्रोजन प्रॉपर्टीज.
which helps to increase the blood flow in your skin, or you can say it maintain the pH level of your skin. Coming to the vitamin B5 जो कि आपके skin को smoother और healthier रहने में help करता है. Now coming to the next is hyaluronic acid. आपको पता है hyaluronic acid के बारे में मैंने आपको बता दिया है. उसके बाद fragrance and all. Now sodium benzoate, potassium sorbate and phenoxyl और sodium gluconate. These are the preservatives guys. These helps to स्टेबलाइज द कलर द फ्रेगरेंस और द प्रोडक्ट. तो ये तीनों के तीनों जो होते हैं वो आपके प्रोडक्ट को खराब होने से बचाते. सो दीज आर द इंग्रेडिएंट ऑफ दिस प्रोडक्ट. अब हम बात करते हैं मतलब ये फर्स्ट पीएच लेवल हमारा मेंटेन करने में हेल्प करता है. इट इज सो 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 जेंटल ऑन योर स्किन. And third, it give you a very deep cleaning. So that the main part I love about this. It also helps to hydrate your skin. That is also a amazing thing. And next, it also help in inflammation. So if you are facing the problem of inflammation, then this is good for you. You can use this one too. This is dermatologically tested also. All skin type person, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको use कर सकते हैं. It is safe for daily use. You can use 2 or 3 times a day. So ये paraben भी free है, sulfate भी free है, color भी free है, silicon भी free है. तो मतलब जो भी harmful chemicals है सबसे ये free है. और 300 रुपए का है, 299 रुपीज में. इफ यू गाइज वॉन्ट टू ट्राई दिस तो आई टोटली सजेस्ट कि आप एक बार पैच टेस्ट कर लीजिए. कोई भी आप न्यू स्किन के आप प्रोडक्ट यूज करें, चाहे वो मेरी रिकमेंडेशन के उससे यूज करें या किसी के भी उससे यूज करें, आप एक बार पैच टेस्ट जरूर कर लीजिए. तो सेम अप्लाइज टू ऑल द स्किन केयर, ऑल द हेयर केयर. तो आप कुछ भी नया यूज कर रहे हैं तो प्लीज डू अ पैच टेस्ट. दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू गाइज टूडे. सो होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू गेट टू नो अबाउट दिस प्रोडक्ट डीपली. अगर जो इसके सिवा भी कोई ऐसा पॉइंट है जो मैंने मिस कर दिया है एंड यू वॉन्ट टू नो अबाउट इट, सो प्लीज कमेंट मी ऑन कमेंट सेक्शन. आई लव टू आंसर ऑल योर क्वेश्चन. और इफ यू गाइज हैव एनी सजेशन और यू वॉन्ट एनी रिव्यू और एनीथिंग, मतलब किसी भी टाइप से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए और आपको कुछ भी मतलब आप चाहते हैं कि मैं वो मैं करूँ आपके लिए, तो प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन. आई लव टू डू फॉर यू गाइज बिकॉज योर विश इज माई कमांड. सो नाउ रैपिंग अप दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस. एंड यू नो आपको क्या करना है, लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली मेम्बर्स एंड योर फ्रेंड्स. होप शायद उनको भी ये यूजफुल लगे. सो टिल नेक्स्ट टाइम गाइज, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ब्यूटिफुल. बाय बाय.